जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों का प्रदर्शन। बिजनौर में पिछले दो माह से वेतन न मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज जिला अस्पताल परिसर में आज विरोध प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने समस्या का समाधान न होने पर बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल बिजनौर जिला अस्पताल में तैनात सभी स्वास्थ्य कर्मचारी आज जिला अस्पताल परिसर में इकट्ठा होकर पिछले दो माह से वेतन न दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार और जिला प्रशासन से जल्द अपने वेतन की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया है कि वेतन न मिलने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब वो वेतन की मांग को लेकर जब भी किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वह टाल देता है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार व जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनका वेतन नहीं दिया गया तो वह एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बाइट लेखपाल, सरकारी अस्पताल कर्मचारी। यह खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर देख रहे हैं। हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले समाचारों के साथ। बुला लग रहा है, प्रोग्राम बना। मांग करते हैं कि वेतन यथाशीघ्र दिलाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जी, इसलिए मई की तनख्वाह नहीं मिली है, जून बीच की आज 28 तारीख हो गई है, जून की भी कोई अभी तनख्वाह का नहीं है। लखनऊ बिल जाते हैं तो लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा का जो महानिदेशक है कौन है हम नहीं जानते, हमें जाते नहीं पता। वो साइन जब जाते हैं तो वो साइन ही नहीं करती, दो तो तीन तीन दिन वहाँ पड़े रहते हैं। जो भी अधिकारी है, हमारी प्रिंसिपल साहब हैं, इनको भी कोई तनख्वाह उनख्वाह से मतलब नहीं है। CMS साहब हैं, इनको भी तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है। किसी की किस्त जाती है, किसी का कुछ होता है, हम लोग बड़े परेशान हैं। सरकार हमारी बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता खुश है। लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं विभाग के, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है, ये प्रिंसिपल जो हैं और जो CMS साहब हैं, ये कोई हमारे। आज आप सब लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? हम सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे अपना विरोध करें, जिससे हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक, सरकार तक हमारी बात पहुँचे। सरकार तक बात पहुँचाने का एक ही तरीका था। कितना समय तक आपकी सैलरी नहीं मिली? दो महीने से, अभी एक तो मई की हो गई, एक जून की हो गई, दो महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। हम अपनी बात मानिए।